अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। वेलकम टू रिफ्यूजेंट पब्लिक स्कूल ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट, टुडे आवर लेसन इज चैप्टर नंबर 10, गैशियस एक्सचेंज। सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट व्हाट इज गैशियस एक्सचेंज, विच टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर अकर एंड विच टाइप्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एंड व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक एंड हाउ द प्लांट्स डू रिस्पिरेशन। So here is the mechanism of the gaseous exchange in leaves. As we discussed in our previous lecture, that leaves do the gaseous exchange through their stomata and through their small pores. So leaf cell may face two cell situation during daytime and during night time. ठीक है, stomata की opening और closing पर depend कर रहा होता है, और वो day time और night time में different होती है. So during daytime when mesophyll cells of the leaves are carrying out photosynthesis and respiration side by side. Day time में जब mesophyll cells जो हैं वो carrying कर रहे होते हैं oxygen को, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, रिस्पायरेशन अक्कर हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है साइड बाय साइड, मतलब कि ऑक्सीजन जो हमें सप्लाई हो रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग एक्सक्रीट करते हैं वो प्लांट्स यूज़ करके प्रोसेस क्विकली कर रहे होते हैं। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज इन सेलुलर रिस्पायरेशन। सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन इज यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस। तो ये दोनों प्रोसेस जब इकट्ठे हो रहे होते हैं तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बन रही होती है वो प्लांट एज अ सेलुलर रिस्पायरेशन यूज़ कर रहे होते हैं, और जो सेलुलर रिस्पायरेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही होती है उसको वो दोबारा से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। तो इस तरह डे टाइम में स्टोमेटा की ओपनिंग जब होती है तो डे टाइम में बैक टाइम ये दोनों जो उनसे हैं रिएक्शंस ये कंबाइनली परफॉर्म हो रहे होते हैं। सो ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस ऑकर्स द लीव सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा। सो स्टूडेंट, आप लोगों ने ये बात अक्सर सुनी होगी कि रात टाइम में हम लोगों को मना किया जाता है कि प्लांट्स वाली साइड पर ना जाएँ। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि नाइट टाइम में जब स्टोमेटा क्लोज हो रहे होते हैं, स्टोमेटा क्लोज होते हैं, उनके लीफ जो उनसे हैं उसमें प्रोसेस नहीं हो रहा होता, रिलीज़ ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रही होती, मतलब कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, तो उस फॉर्म में वो क्या करते हैं, नाइट टाइम में सिर्फ सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं प्लांट्स, इसलिए वो ह्यूमंस के लिए नुकसानदेह है, इसलिए नाइट टाइम में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। गैशियस एक्सचेंज इन वुडी स्टेम्स। वुडी स्टेम्स कैसे गैशियस एक्सचेंज करते हैं? इन वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स द इंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय बार्क विच इज़ इम्प्रीवियस टू गैसेस और वाटर। ठीक है, मतलब वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स की जो बार्क है, जो उनकी आउटर सरफेस है वो एपिडर्मिस जो है वो हार्ड हो चुकी होती है, उसको हम लोग बार्क का नेम देते हैं, जो इम्प्रीवियस होता है गैशियस और वाटर एक्सचेंज के लिए। हाउएवर देयर आर सर्टेन पोर्स इन द लेटर ऑफ बार्क, दीज आर कार्ड लेंटिसल्स। ठीक है, लेकिन इस बार्क में जो है वो स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम लोग लेंटिसल्स का नेम देते हैं। दीज लेंटिसल्स अलाउ टू पास एयर थ्रू डैम। ये लेंटिसल्स अलाउ करते हैं एयर को कि वो उसमें से पास आउट हो सकें। सो स्टूडेंट, यू सी हेयर इन द पिक्चर, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर देखें हार्ड स्टेम है, हार्ड स्टेम और लीव्स के दरमियान में आपको एक पोर नज़र आ रहा है, एक छोटा सा पोर बना हुआ है, इसको हम लोग लेंटिसल का नेम देते हैं। ठीक है, मतलब कि जो ये हार्ड स्टेम है जो बार्क में कन्वर्ट तकरीबन हो चुकी है, इसमें जो रिस्पायरेशन का जो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होगा वो इस लेंटिसल के थ्रू होगा, जो कि स्मॉल ओपनिंग है या स्मॉल पोर का भी आप इसको नेम दे सकते हैं। सो गैशियस एक्सचेंज थ्रू क्यूटिकल, जो यंग स्टेम्स हैं जिसको हम लोग, या हर्बीवर्स जो हमारे पास ये आ जाते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स हैं हमारे पास, हर्ब्स हैं, उसमें कैसे होता है, इन यंग स्टेम्स एंड लीव्स सम गैशियस एक्सचेंज आल्सो अकर थ्रू द क्यूटिकल विच इज़ प्रेजेंट ओवर देयर एपिडर्मिस। क्यूटिकल जो है वो हमारे पास आउटर लेयर को भी कहते हैं, एपिडर्मिस के ऊपर एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपको जब आप लोग किसी भी लीफ का स्ट्रक्चर क्लियरली देखते हैं तो शाइनी सरफेस नज़र आती है, उसे हम लोग क्यूटिकल लेयर कहेंगे। सो गैशियस एक्सचेंज इन रूट्स, रूट्स में कैसे होते हैं, गैशियस गैसेस डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स। ठीक है,
के यंग रूट्स में इन और आउट कैसे हो रहा होता है। द गैसेज आर फाउंड इन द सॉइल सराउंडिंग द रूट्स, मतलब कि जो रूट्स हैं वो तो अब अपर सरफेस पे मौजूद नहीं है, वो तो अर्थ के अंदर मौजूद हैं। तो अर्थ के अंदर उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलती है, उनका पूरा प्रोसेस कैसे होता है, उनमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, वो जो सॉइल में हमारे पास जो पाए जाती है गैसेस वगैरह उसके साथ वो रिएक्ट करते हैं और गैस उसी सॉइल में जो है वो गैसेस एक्सक्रीट करते हैं और उसी से इनटेक करते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज इन एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट में कैसे होता है, द एक्वेटिक प्लांट्स गेट ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ठीक है, मतलब कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल वाटर लिली आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें कैसे एक्सचेंज होती है, इसमें गैसियस एक्सचेंज जो है वो एक्वेटिक प्लांट जितने हैं वो वाटर में ही इनटेक करते हैं गैसेस का और वाटर में ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं।